चलो, सबको आवाज आ रहा है क्या? हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर, आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो फर्स्ट की इंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन जो है, इसमें जैसे कि अपन ने यहाँ तक पढ़ा है कि आपके पास में जो भी पर्टिकुलर इंटीजन होता है, जैसे आपके पास ये बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया को आप का जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है, जैसे आपके पास में बी सेल है, ये आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। इसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है बी सेल रिसेप्टर। तो ये बी सेल रिसेप्टर इसको रिकॉग्नाइज करेगा आपके बैक्टीरिया को या एंटीजन को, और उसके बाद में इस का रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस होता है, बराबर। तो ये आपका अलग अलग टाइप के जो सेल्स होते हैं, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम कर सकते हैं। तो जैसे हमने मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट पढ़ा था, डेंड्राइटिक सेल पढ़ा था, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस हो गया, डेंड्राइटिक सेल हो गया, बी सेल हो गया, ये आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है ना। तो इनको छोड़ के भी जो अदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इसको पढ़ेंगे अपन के कौन से सेल एंटीजन प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो जैसे अपन ने बोला था कि बी सेल आपके एमएससी क्लास 2 को एक्सप्रेस कर सकता है, डेंड्राइटिक सेल मैक्रोफेजेस भी एमएससी क्लास 2 को एक्सप्रेस करते हैं, तो इसलिए ये भी आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हो गया, ठीक है। तो आपका बी सेल हो, मैक्रोफेजेस हो, डेंड्राइटिक सेल हो या अदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इनका काम होता है एंटीजन के हाँ साथ में बाइंडिंग करना। एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के बाद तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका? रिकॉग्निशन, ठीक है। रिकॉग्निशन करने के बाद प्रोसेसिंग होगा। तो प्रोसेसिंग में दो दो तरीके की प्रोसेसिंग होती। एक तो बी सेल के केस में अगर अपन पढ़ते, तो यहां पे रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस किया जाएगा, ठीक है। रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस करोगे आप, और फैगोसाइटोसिस ठीक है, और ऑप्शनाइजेशन, यहां तक ठीक है क्या? आपका जो बी सेल है, ये आपका रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस करता है, क्योंकि इसके ऊपर
बी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट है ना, तो उसको अपन फैगोसाइटोसिस नहीं बोल सकते। फैगोसाइटोसिस में बहुत सारे एग्जांपल है आपके पास में, इंक्लूडिंग माइक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल, ठीक है। ऑप्शनाइजेशन में भी आपका माइक्रोफेजेस आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शनाइजेशन का मतलब अपन ने क्या बोला था कि आपके पास कोई तो भी एक प्रोटीन है या फिर आपका एंटीबॉडी भी ऑप्शनिन की तरह काम कर सकता है, जो आपके एंटीजन के साथ में बाइंडिंग करता है और बाइंडिंग करने के बाद इसको रिक्रूट करता है ऑन द सरफेस ऑफ मैक्रोफेजेस और दैट इम्यूनिटी सेल विच पजेस द रिसेप्टर फॉर द एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी के लिए जिसके पास में रिसेप्टर्स है, जिसको अपने एफसी गामा रिसेप्टर्स बोले थे, उसके ऊपर ये इसको रिक्रूट करेगा और उसके बाद में फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये आपका फर्स्ट, ये सेकेंड और ये आपका थर्ड, तीन में से कोई भी एक मैकेनिज्म से एंटीजन जो है इसको इंगल्फ किया जाता है। ये आपका सेकेंड और ये आपका थर्ड, जिसको अपन ऑप्शनाइजेशन बोलते हैं, बराबर। उसके बाद में नेक्स्ट रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस होने के बाद में आपका नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, एंटीजन को अपन डिग्रेड कर देंगे, ठीक है। तो एंटीजन को डिग्रेड करेंगे इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट, तो जैसे अपन ने फैगोसाइटोसिस में पढ़ा था फैगोसोम, उसके बाद में फैगोलाइजोसोम, तो फैगोलाइजोसोम फॉर्म होने के बाद में जो भी आपके प्रोटीलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो एंटीजन को डिग्रेड कर देते। तो यहां तक का जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है एंटीजन प्रोसेसिंग। तो ये जो प्रोसेस था हमारा एंटीजन रिकॉग्निशन से लेकर एंटीजन डिग्रेडेशन तक, इसको अपन क्या बोलेंगे, एंटीजन प्रोसेसिंग। और उसके बाद में फिर स्टार्ट होता है आपका एंटीजन का प्रेजेंटेशन। तो एंटीजन प्रेजेंटेशन की अगर अपन बात करते तो एंटीजन प्रेजेंटेशन मतलब हमने एंटीजन को डिग्रेड कर दिया है, ठीक है। और डिग्रेड करने के बाद अब हमें इसको क्या करना है, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करना है। तो एंटीजन एमएससी क्लास टू, इसके साथ में हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कहां पे, सरफेस के ऊपर। तो एमएस एंटीजन एमएससी क्लास टू प्रेजेंटिंग ऑन सरफेस, ऑफ एफईसी, इसको अपन क्या बोलेंगे अभी, एंटीजन प्रेजेंटेशन। समझ में आया क्या? तो आपका जो एमएससी क्लास टू मॉलिक्यूल है इसके ऊपर अगर आप एमएससी क्लास टू के साथ में अगर आप एंटीजन को प्रेजेंट करते हो तो उसको बोला जाएगा एंटीजन प्रेजेंटेशन, ठीक है। एपिटोप के जगह पे, सॉरी एंटीजन के जगह पे आप यहाँ पे एपिटोप वर्ड यूज कर सकते, क्योंकि अपन ने बोला है कि एंटीजन का स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स को ही अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, पूरा एंटीजन को अपन प्रेजेंट नहीं करते। चलो यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, एंटीजन प्रोसेसिंग एंटीजन प्रेजेंटेशन यहां तक ठीक है क्या, सबको समझ में आ गया क्या? हाँ सर ठीक। उसके बाद नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होने के बाद में क्या होगा, नेक्स्ट इसको रिकॉग्नाइज करेगा कौन, टीएच सेल। तो नेक्स्ट है आपका टीएच सेल एक्टिवेशन।
तो टीएच सेल के बिना आप कोई भी इम्यूनिटी का रिस्पांस जनरेट नहीं कर सकते। जैसे एंटीबॉडी आपको प्रोडक्शन करना है, तो एंटीबॉडी अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो विदाउट टीएच सेल आप उसको बी सेल को एक्टिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि टी एच का मतलब होता है हेल्पर। बी सेल को जब टी सेल हेल्प करेगा तभी वो एक्टिवेट हो पाएगा और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर पाएगा। तो टीएस सेल का अगर आपको एक्टिवेशन करना है तो टीएस सेल को एक्टिवेट करने के लिए आपको एंटीजन और एमएससी का कॉम्प्लेक्स चाहिए। ये इसी को आपका रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, एमएससी रेस्ट्रिक्टेड। टीएस सेल जो है ये क्या होता है, एमएससी रेस्ट्रिक्टेड होता है ना। तो टीएस सेल अगर एमएससी रेस्ट्रिक्टेड है तो विदाउट एमएससी एंटीजन कॉम्प्लेक्स वो एक्टिविट ही नहीं हो पाता, इसलिए हमें प्रेजेंटेशन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन का बेसिक। ठीक है, उसके बाद में एंटीजन आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंडोजिनस और दूसरा होता है एक्सोजिनस। ठीक है, तो इंडोजिनस एंटीजन एंड एक्सोजिनस एंटीजन, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इंडोजिनस एंटीजन जो है इसका अगर आप एग्जांपल लोगे तो इसमें आएगा आपका वायरस एंड बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो सेल के अंदर आपके प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में ट्यूमर सेल प्रोटीन। तो इंडोजिनस का मतलब पहले समझ लो, अगर अपने वायरस एंड बैक्टीरियल प्रोडक्ट अगर बोला है मतलब एंटीजन, ठीक है, तो वो सेल के अंदर में प्रेजेंट होना चाहिए, इनसाइड द सेल। तो इंडोजिनस एंटीजन जो है इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, क्या यहां तक? इंडोजिनस एंटीजन जो है इसकी अगर हम बात करते तो इसको इंडोजिनस और साइटोसोलिक पाथवे से प्रोसेस और प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के लिए आप कौन सा पाथवे यूज करोगे? इंडोजिनस। ठीक है, तो प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन के लिए आप इंडोजिनस और साइटोसोलिक पाथवे को यूज करते हो। तो इंडोजिनस एंटीजन को एमएससी क्लास वन कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी सेल के ऊपर आप एमएससी क्लास वन के साथ
एंटीजन को प्रेजेंट करते हो तो सेल को बोला जाता है टारगेट सेल। ठीक है क्या? तो जो भी हमारे पास में वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं या फिर ट्यूमर सेल होते हैं, इनके सरफेस के ऊपर आप एंटीजन को एमएससी क्लास वन के साथ में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एमएससी क्लास वन के साथ में अगर आपने कोई भी एंटीजन को प्रेजेंट किया तो वो सेल को हमें डायरेक्ट किल करना है, इसलिए उसको बोला जाता है टारगेट सेल। ठीक है, यहां तक ठीक है क्या? ये क्लियर हो गया क्या सबका? उसके बाद नेक्स्ट एक्सोजिनस एंटीजन। एक्सोजिनस का मतलब होता है बाहर का, सेल के बाहर का, आउटसाइड दी सेल। ठीक है, तो इसमें अगर हम एग्जांपल्स लेते तो हमारे पास बैक्टीरियल सेल जो आपका सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप बैक्टीरिया ले सकते हो, ठीक है, उसके बाद में टॉक्सिन ले सकते हो, बैक्टीरियल टॉक्सिन। ठीक है, उसके बाद आप सेल के बाहर जो भी आपका एंटीजन प्रेजेंट होता है उसको आप ले सकते हो, जैसे आपकी फंगल सेल भी आपका एंटीजन होता है। ठीक है, तो एक्सोजिनस एंटीजन मतलब सेल के बाहर जो प्रेजेंट होता है वो एक्सोजिनस हो गया। तो कुछ बैक्टीरिया जो है ये सेल के अंदर जाके इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे आपका माइकोबैक्टीरियम। वायरस जो है सेल के अंदर में जाके इन्फेक्शन करते हैं, मतलब उनका लाइफ साइकिल ही वैसे होता है कि वायरस सेल को इन्फेक्ट करेगा, उसके बाद में ही वो सेल के अंदर में क्या करता है, खुद का मल्टीप्लिकेशन करता है। तो माइकोबैक्टीरियम भी आपका क्या होता है, इंडोजिनस एंटीजन है, वो सेल के अंदर में जाके खुद को मल्टीप्लाई करता है। अगर कोई सेल कैंसर सेल में डेवलप हुआ है, मतलब ट्यूमर सेल में डेवलप हुआ है, तो उसके पास में भी अल्टर्ड एंटीजन रहेंगे। वो पूरा सेल अगर ट्यूमर सेल है तो उसके एंटीजन को भी हम सरफेस के ऊपर एमएससी क्लास वन के साथ में प्रेजेंट करते हैं। बट इन केस ऑफ एक्सोजिनस एंटीजन, एक्सोजिनस एंटीजन के केस में जो भी आपका एंटीजन होता है उसको हम प्रोसेस करते बाय दी इंडोसाइटिक पाथवे। और जैसे कि अपन ने पढ़ा है फैगोसाइटिक पाथ। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के लिए हम यहां पे इंडोसाइटिक और फैगोसाइटिक पाथवे को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होगी प्रोसेसिंग की बात। उसके बाद नेक्स्ट, प्रोसेसिंग होने के बाद जो आपका एंटीजन है उसको प्रेजेंट किया जाता है अलोंग विद दी एमएससी क्लास टू मॉलिक्यूल। ठीक है क्या? अगर एमएससी क्लास टू मॉलिक्यूल के साथ में इसको आप प्रेजेंट करते हो तो सेल जो है इसको बोला जाएगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एपीसी। ठीक है यहां तक?
यहां तक किसी को डिफिकल्टी है क्या? सर उसके बाद में नेक्स्ट तो एंटीजन प्रोसेसिंग एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन, इसमें अपन ने क्या पढ़ा कि आपका जो एंटीजन प्रोसेसिंग है इसमें एंटीजन को पूरा अपन डिग्रेड करते हैं, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में उसको एमएससी क्लास 2 के साथ में प्रेजेंट करते हैं फॉर द एक्टिवेशन ऑफ टीएससी, ठीक है? इसको बोला था एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। उसके बाद एंटीजन दो टाइप का होता है, एक्सोजिनस एंड इंडोजिनस। एक्सोजिनस एंटीजन में बैक्टीरिया तो इंडोजिनस एंटीजन में वायरस। इसको आप प्रोसेस करते हो अलग अलग पाथवे से, इंडोजिनस को प्रोसेस करते हो बाय दी इंडोजिनस और साइटोसोलिक पाथवे, ठीक है? और आपका जो एक्सोजिनस एंटीजन है इसको हम प्रोसेस करते बाय दी इंडोसाइटिक और फैगोसाइटिक पाथवे, ठीक है क्या यहां तक? तो ये आपका दो पाथवे को आपको याद रखना है। इन केस ऑफ इंडोजिनस एंटीजन एंड इन केस ऑफ एक्सोजिनस एंटीजन, ठीक है? इसके ऊपर दो मार्क के लिए क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में आपका जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ठीक है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एमएससी क्लास 2 के साथ फ्रैगमेंट को प्रेजेंट करता है तो टारगेट सेल एमएससी क्लास 1 के साथ में प्रेजेंट करता है। तो एमएससी क्लास 1 जो है इसके साथ अगर आप प्रेजेंट करोगे तो उसको बोला जाएगा टारगेट सेल। तो एमएससी क्लास 2 के साथ में एंटीजन को प्रेजेंट करोगे तो उसको बोला जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है ये भी आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल एपीसी और दूसरा होता है आपका नॉन प्रोफेशनल एपीसी। चलो प्रोफेशनल एपीसी का मतलब क्या? प्रोफेशनल मतलब जिसका एंटीजन प्रेजेंटेशन ही ये एक ही काम है उसको अपन क्या बोलेंगे, वो प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल की अगर अपन बात करते तो वो उसी के लिए बना है, उसका जो मेन बेसिक फंक्शन है वो आपका एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो इसमें आपके पास अलग अलग एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट डेंड्राइटिक सेल, डेंड्राइटिक सेल जो है ये एमएससी क्लास 2 एंड को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स जो होते हैं जो आपके इम्यूनिटी के सेल के एक्टिवेशन के लिए लगते हैं, ठीक है, इनका एक्सप्रेशन ये कंस्टिट्यूटिव करता है। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या? तो वो परमानेंटली वो दोनों का एक्सप्रेशन करते रहे। उसके बाद बी सेल, बी सेल एमएससी क्लास 2 का एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूटिवली करता है बट को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स जो है ये आपके इंड्यूसिबल होते हैं। इंड्यूसिबल मतलब क्या? जब बी सेल का एक्टिवेशन होगा
ठीक है, बी सेल का एक्टिवेशन होगा तभी आपका को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स जो है इसको प्रोड्यूस किया जाएगा। और सबसे लास्ट में है मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस जो है ये एंटीजन के प्रेजेंस में, मतलब सिग्नल्स बराबर, तो एंटीजन के प्रेजेंस में ही एमएससी क्लास टू एंड को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स को एक्सप्रेस करता है। मतलब सिग्नल है तो एक्सप्रेस करेगा। तो अगर आपको पूछा क्वेश्चन में मोस्ट पोटेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन सा होता है, तो उसका आंसर होना चाहिए डेंड्राइटिक सेल। समझ में आया कि यहां तक? डेंड्राइटिक सेल क्यों? क्योंकि वो कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन करता है। उसके बाद में नंबर लगता है किसका? बी सेल का। और उसके बाद में नंबर किसका लगता है? मैक्रोफेजेस का। समझ में आ रहा है कि यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट नॉन प्रोफेशनल एपीसी। नॉन प्रोफेशनल एपीसी की अगर हम बात करते तो नॉन प्रोफेशनल का मतलब इनका ये परमानेंट काम इनको दिया गया नहीं। जब एंटीजन इनके पास में आता है और कोई भी आपके इम्यूनिटी के सेल आसपास में नहीं होते प्रोसेसिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, तब जाके ये सेल क्या करते हैं, ओकेजनली आपके एमएससी क्लास टू को एक्सप्रेस कर देते। जीन तो सबके पास में होते हैं, ठीक है, बट एक्सप्रेस कुछ ही सेल कर पाएंगे। तो इसमें से आपके पास एग्जाम्पल है फाइब्रोब्लास्ट सेल का, जो स्किन में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में बीटा पैंक्रियाटिक सेल, ठीक है। उसके बाद थायमिक सेल, थायराइड सेल, इंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। तो ये सारे जो सेल्स है आपके, ये क्या कर सकते हैं? एंटीजन का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, मतलब ये एमएससी क्लास टू को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का मतलब एक समझ लो, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मतलब वो सेल जो एक्सप्रेस करता है किसको? एमएससी क्लास टू को। अगर ये एमएससी क्लास टू को एक्सप्रेस कर रहा है तो वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। तो प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल को याद रखना। प्रोफेशनल अगर आपने याद रखा तो बाकी नॉन प्रोफेशनल कौन से है तो आप एक बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। सिर्फ डेंड्राइटिक सेल, बी सेल और आपका मैक्रोफेजेस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहां तक दिव्या? हेलो। हाँ सर, ठीक है। इनिशियल क्या आता है आपका? बालगो सर, दिव्या पी बालगुनिवार। हाँ, तो डीबी से याद रख लेना आप, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसमें एक सेल और ऐड कर दो, ब्रेन सेल, ठीक है। इसमें ग्लियल सेल्स इन ब्रेन, ठीक है।
चलो तो उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंडो साइटिक और फैगोसाइटिक पाथवे, ठीक है, किसके लिए, कौन सा एंटीजन के लिए, एक्सोजिनस एंटीजन के, ठीक है। तो एक्सोजिनस एंटीजन के लिए आप इंडोसाइटिक और फैगोसाइटिक पाथवे को पढ़ोगे। तो इसमें हमने पढ़ा है कि आपका जो एंटीजन होता है, ठीक है, ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है आपका स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और रिकॉग्नाइज करने के बाद इसका फैगोसाइटोसिस होता है। तो फैगोसाइटोसिस में आपके पास अलग अलग यहाँ पे कंपार्टमेंट्स फॉर्म होते हैं और उसके बाद में फाइनली आपको इसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो एंटीजन जब आपके मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होता है तो यहाँ पे आपका ये सूडोपोडिया फॉर्म होता है, ये अपन ने पढ़ा है। सूडोपोडिया फॉर्म होने के बाद में आपका जो एंटीजन रहेगा इसको इंगल्प किया जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका फैगोसोम, ठीक है। फैगोसोम जो है इसको अर्ली इंडोसोम भी बोला जाता है। तो ये आपका फैगोसोम है, ठीक है, या फिर इसको अपन अर्ली इंडोसोम बोलते हैं। ठीक है, जिसका पीएच जो है ये 6 to 6.5 तक हो सकता है। उसके बाद आपके फैगोसोम के साथ आपका लाइसोसोम फ्यूज हो जाएगा। अगर लाइसोसोम आपका फ्यूज होता है तो इसको अपन बोलेंगे फैगोलाइसोसोम, ठीक है। तो ये बन गया आपका फैगोलाइसोसोम। फैगोलाइसोसोम में जो भी आपका एंटीजन है ये एंटीजन का डिग्रेडेशन किया जाता है। तो डिग्रेडेशन होगा तो यहाँ पे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनेंगे। इसमें से कुछ फ्रैगमेंट जो है ये स्पेसिफिक होते हैं फॉर द एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो ये जो आपका फ्रैगमेंट आपको दिख रहा है इसको अपन क्या बोलेंगे, एंटीजेनिक डिटरमिनेंट बोलते थे अपन। और इसको अपन ने क्या बोला था, एपिटोप। ये आपका 13 to 80 अमीनो एसिड का होता है। तो 13 to 80 अमीनो एसिड के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं इनको ही हम क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कि यहां तक तो अब आपका जो एंटीजेनिक फ्रैगमेंट है ये बाइंड होगा आपके स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ जिसको अपन बोलते हैं एमएससी क्लास टू। ये एमएससी क्लास टू कहां से आया, तो ये इसको आपको सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करना है। सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करना है इसका मतलब ये आपका सिक्रेटरी पाथवे का प्रोटीन है। तो सिक्रेटरी पाथवे के प्रोटीन्स कहां से आते हैं, ये आते हैं कहां से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने एमएससी क्लास वन का सिंथेसिस किया और एमएससी क्लास वन का सिंथेसिस करने के बाद, ठीक है, सॉरी एमएससी क्लास टू का सिंथेसिस करने के बाद इसको हमने वेसिकल में पैक किया, ठीक है। वेसिकल में पैक करने के बाद इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे टुवर्ड्स द फैगोलाइसोसोम, ठीक है। फैगोलाइसोसोम जो है ये आपका फैगोलाइसोसोम है,
और इसको अपन क्या बोलते, लेट इंडोजोम। तो ये आपका लेट इंडोजोम है जिसका पीएच होता है 5 to 5.5। ठीक है, सेशन खत्म होने के बाद में फिर से आपको ज्वाइन करना है।